अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेली जाने वाली T20 सीरीज जो कि पाकिस्तान के अंदर खेली जानी है, उसका मुकम्मल शेड्यूल सामने आ चुका है। कितने मैचेस होंगे, किस स्टेडियम के अंदर ये मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, इसके बारे में पूरी तफसील आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी कौन करेगा, इसके हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अंदर जाकर 5 T20 मैचों की सीरीज खेल चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी और यहां पे 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अगर इस सीरीज के शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर ट्रेवल करेगी, यहां पर पहुंचेगी। 16 और 17 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी, दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन होगा और 18 अप्रैल से बाकायदा तौर पर इस T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। शुरू के 3 मैचेस जो कि 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे, ये तीनों मैचेस रावलपिंडी के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे और आखिरी 2 मैचेस जो कि 25 और 27 अप्रैल को खेले जाएंगे, ये दोनों मैचेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम टोटल 5 T20 मैच पाकिस्तान के अंदर खेलेगी और ये सभी मैच शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो शुरू हो जाएंगे और TV के ऊपर आप इनको लाइव देख सकेंगे। ये है जनाब पूरा शेड्यूल। इसके अलावा जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कौन करने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से पहले खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी ये खबर भी आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी को मौका दिया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है। टीम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की जाएगी। पहले ये खबर आ रही थी कि PSL के बीच में ही T20 टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो है PSL के ख़त्म होने के बाद टीम जो है वो अनाउंस की जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों के लिए। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर जो है वो हमने आपको बताई है कि अभी शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड नई और ताज़ा अपडेट्स हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।